वो आ गई धुलिया की टीम। हेलो, हाय। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको रोज देखता हूँ। कम ऑन माय गॉड, वैसे लड़की पटाने का ये तरीका अच्छा है सर। आई डोंट नो व्हाई हर मैन मुझे ऐसा कहता है। वैसे मेरी सारी फ्रेंड्स भी मुझे कहती है कि मैं नौजवानों के दिलों की धड़कन हूँ, उनकी रातों की रानी हूँ। लाइक व्हाट वुड यू से, ड्रीम गर्ल, डू यू फील द सेम? मुझे लगता है मैच शुरू करना चाहिए। ओके कम ऑन गर्ल्स, सॉरी सॉरी ले किया, बाय, कम ऑन कम ऑन। चालू लड़के हैं। मैं जाऊंगा। हुई भी है तो अगली बार जीत जाओगी। लो अपने पापा से बात करो। हेलो, हाँ बेटी कैसी हो तुम? पूछ रहे सिरे वजह से आपको कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है, बहुत गुस्से में हो। गुस्सा थूक दो बेटी। अच्छा सुनो, मैं जल्दी वहाँ आ रहा हूँ। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक चल रही है, और मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इस वक्त मूड मेरा बहुत खराब है। किसी और का गुस्सा अपने मम्मी डैडी पर क्यों निकाल रही है दिव्या? आखिर ये मैच तो तुम्हें हार नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है बाली? यही के तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने वाली धुलिया टीम के लड़कियां लड़कियां नहीं थी, बल्कि हमारे कैंप के लड़के थे। जी हाँ, करण और उसके दोस्त। What? यकीन नहीं आता तो खुद अपनी आंखों से देख लो सबूत। Yeah! उनको मेरा मतलब है अच्छी तरह मजा चखाती। हाँ मजा तो अब भी चखाएंगे। कम ऑन। क्या कर रहा है यार, ठीक से खेलना। कह रहा मैं मजा नहीं आ रहा है यार। दुनिया में गेम तो सिर्फ एक ही है और वो है कबड्डी। हाँ, और खास तौर से अगर सामने वाली टीम लड़कियों की हो। क्यों? लड़कियों का नाम सुनकर लालम लाल हो रहा है। देखा ना, जमीन पपड़ा कैसे छटपटा रहा था। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, हाथ बढ़ा के लाइन छू ले। अरे लाइन तो छू लेता ये, मगर लड़कियों ने इसे अपनी बाहों में जो पकड़ रखा था है, बहुत मजा आ रहा था। क्या साल है। हाँ, मजा तो और भी आता अगर एक चुम्मा मिल जाता तो। चुम्मा? तुम लोग एक चुम्मा दिलवाओ ना यार। दिलवाए? क्या समझते हैं ये हमको, और क्या समझते हैं अपना। Thank you.
होने का अफसोस हो तो ये पहन लो। चूड़ियां और लिपस्टिक, ये तो फिर नहले पे डहला हो गई करण। नहले पे गुलाम भी होता है दोस्त। यार करण, ये लड़ाई झगड़े की भाषा उनकी समझ में नहीं आ रही। कोई प्यार मोहब्बत का रास्ता नहीं हो सकता है। प्यार मोहब्बत, ठीक ठीक है राजा। हाँ, तुझे चुम्मा चाहिए था ना। हाँ, चुम्मा। मैं तुम सबको चुम्मा दे लाऊंगा और खुद भी लूंगा, उन्हीं खूबसूरत होठों से जिन होठों ने अब तक प्यार का इकरार नहीं किया। सर, क्या कर, छोड़ो ना प्लीज, मत सताओ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। ठीक है, जो कुछ भी करना दो मिनट में कर लो। ओके, बहुत देर हो गई है, वापस चलो, कहीं वो मैडम जाग ना जाए। अरे ऐसी जवान रातों में तो हम जैसी जवान लड़कियां ही जाती है, वो क्या जागेगी। बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। ओ कम ऑन यार, उस बुढ़ी की बातें करके क्यों टाइम खराब कर रहे हो। एंजॉय योरसेल्फ ना। ए माय लव, तो ये लो, करो ना बच्चों। अरे भागो, अरे भागो, अरे बाहर, खबरदार जो भागने की कोशिश की तो। रुक जाओ। क्या मैडम, क्या हुआ, कौन है लोग? अभी पता चल जाएगा। मैं कहती हूँ मेरी तरफ देखो। सुना नहीं तुमने, मेरी तरफ देखो। तुम लोग यहाँ कब से आ रहे हो? जी हम लोग तो आज पहली बार आए हैं और वो भी गलती से आए। मेरी लड़कियाँ इतनी भी बुरी नहीं है कि पहली बार में ही लड़कों के गाल पे पप्पियां दे दे। पप्पियां? पप्पियां? ओए! मैं तुम लोगों को आखिरी मौका देती हूँ, सच सच बता दो वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? नहीं नहीं मैडम, ऐसा गजब मत कीजिए, हम अपने अपने गर्लफ्रेंड्स के नाम बताते हैं। मेरी वाली वो है रानी। क्या? शकीला। क्या? गुड्डी। और तुम किससे मिलने आए हो? मैडम ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों से बदला लेना चाहते हैं। तो चौथे तुम हो? मैडम ये सब बकवास है, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। दिव्या बहस करके क्या फायदा है, अपनी चोरी पकड़ी गई डार्लिंग। चुप रहो वरना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ठीक है, आपको सब कुछ चाहिए ना मैडम? एक ही तरीका उसका। क्या? तो फिर आप इनसे कहिए कि अपने होठों से हमारे इस गाल पर दूसरा निशान बनाए और आप दोनों निशानों को चेक करके देख लीजिए कि ये चूमा इनका है या किसी और का है। गुड आइडिया, लेकिन मैडम मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आई से कम ऑन, छोड़ना यार। दिव्या सॉरी मैडम, मैं किसी भी कीमत पर। तो फिर तुम्हारे डैडी को मजबूरन मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। निशान तो वही है। जी जी हाँ। अगर आइंदा ये लड़कियां तुम्हें किस करने के लिए बुलाएं तो मेरे पास चले आना। आपके पास? तो अब आप हमें चुम्मा देंगी? वो बदतमीज, गेट आउट, गेट आउट। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर तुम लोगों का है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे इल्जाम देने का क्या फायदा। तुम लोगों को सजा मिलने ही चाहिए। कल सुबह तुम सब मिलकर हॉस्टल की सफाई